अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। नाजरीन, मैं शिराज, आप देख रहे हैं शिराज टाइम्स न्यूज़। आइए बढ़ते हैं ताज़ा खबरों की तरफ और हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अपने सब्सक्राइब के साथ देखते रहिए शिराज टाइम्स मजीद अपडेट्स के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आज मैं यहाँ पर USA में हूँ, शिकागो में हूँ, मैं यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ। जो ज्ञान पवी मस्जिद का जो लिटिगेशन चल रहा है, जो लोकल अदालत ने सीज करने के लिए दिया है, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि शिप का लिंक वहां पर पाया गया भूलकर ये लोग का बयान है। मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी RSS के दलालों, शिव का लिंक अगर रहता तो मस्जिद, अगर पहले मंदिर होती वहां पर तो शिवलिंग क्यों रखते थे? वो भी निकाल के फेंक देते थे। वहां पर मंदिर थीज नहीं, वहां शुरू से मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद रहेंगी, ता क्यामत तक के रहेंगी। किसी की मां नहीं जानी की मस्जिद को वहां से हटाने के लिए ये पूरा अब जुडिशल लोअर जुडिशरी में मिला लेकर एक बीजेपी और RSS के दलालों ने एक ऑर्डर ले लिया कि उसको सीज कर दिया जाए। आखिरी में जो है सो एंड ऑफ द डे जो है सो एक इश्यू बनाना चाह रही है, सेम लाइक बाबरी मस्जिद 2023 का इलेक्शन आ रहा, बीजेपी का कोई इश्यू नहीं है तो इश्यू बना के फिर से जो है सो अपन इलेक्शन में मेजोरिटी से जीतना चाह रहे हैं। लेकिन अब पब्लिक उतनी दीवानी नहीं रही, अब गैर कौम के भाइयों भी जो है सो काफी अवेयरनेस आ चुका है लोगों में। अब फिर बाबरी मस्जिद के ऐसा फ्लो होने वाले नहीं है। बीजेपी RSS के दलालों समझ जाओ, तुम लोग वक्त आ चुका है कि तुम समझ रहे हैं कि ये भी हम बाबरी मस्जिद के ऐसा इश्यू बनाएंगे, हम बनने नहीं देंगे। वो सख्त बन गया था लेकिन अब नहीं बनेगा। वो भी फैसला गलत था मेरे हिसाब से, वो भी फैसला गलत था। वहां पर रिपोर्ट सबमिट करने के बावजूद भी जो सो वहां पर किस तरीके का फैसला है आप सबको मालूम है। और अब ज्ञान पावी मस्जिद जो है ये मुसलमान की थी, मुसलमान की है, मुसलमान की रहेंगी। बीजेपी RSS के दलालो, मैं तुम लोगों के कानों तक पहुंचाना चाहूंगा कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह की जात से उम्मीद है कि कोर्ट का भी फैसला हमारे हक में होगा। शिवलिंग कहां से आएगा मस्जिद में? शिवलिंग अगर मंदिर होती तो शिवलिंग में निकाल के फेंक देते थे, मंदिर थी इसने वहां पे। एक मस्जिद तोड़ेंगे तो 1000 मस्जिदा बन रहे, तुम्हारे काम बन रहे मंदिर, हम बताओ मेरे को कितने मंदिरा बनते तुम? हमारी एक मस्जिद पे निगाह डाले तो हम 500 मस्जिदा बन रहे हैं। हमारे को अल्लाह हमारे साथ है इंशाल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।